नीतीश कुमार मंच पर चले गए हैं, अगल बगल जहाँ पे भी है सड़क पर रेला लगा हुआ है, यहाँ से निकलना अभी बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। वैसे ही सिंगल लेन रास्ता है, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, इनक्रोचमेंट वगैरह और पतली तंग सड़क, अब तो और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन फिलहाल लोग खुश हैं। ये कोई पता है क्या, पहले चुनाव आयोग ने कहा कि शारीरिक सशरीर जो रैलियां होती हैं वो नहीं होंगी, फिर खबर आई कि भाई मिल गई है परमिशन, तो ये इनकी पहली सशरीर रैली है। आप देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का क्या वो है, चुनाव त्यौहार है, मना रहे हैं, कोई कोरोना की याद किसी को नहीं है, ना जनता को है, ना नेता को है, पार्टियों को। खैर आज लगा कि अच्छे जूते पहनने चाहिए, आप जब देख रहे थे आपके कैमरे की स्क्रीन पर जब आपको दिख रहा था कि हवा हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल पास से होकर गुजर रहा था, तब जैसी भगदड़ नीचे मची थी, मेरे अगल बगल के कई लोग नीचे गिर गए, मैं भी बस गिरने ही वाली थी, बस मेरे जूतों की ग्रिप ने मुझे बचा लिया, मैंने एकदम कस के खुद को जकड़ के रखा था। अभी अभी देखिए एकदम भगदड़ मची गई, टेंट तो पूरा उड़ ही गया। ये तो हवा चलती है तो इसीलिए उड़ जाएगा, थोड़ा सा कमजोरी भी प्रशासन सबको भी है, पूरा एकदम भगदड़ मच गया। किसको सुनने आए थे? नीतीश कुमार जी को। क्या वजह थी, पसंद है या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री भी अच्छे काम भी किए हैं पूरा बिहार में। क्या काम? पढ़ाई में भी अच्छा है, शिक्षा विभाग में भी है, मेडिकल में भी सब कुछ अच्छा है। आपकी पढ़ाई कब, आपने कॉलेज वॉलेज कहाँ से किया? हमने मैट्रिक पास किया है। मैट्रिक 2003 में। उम्र क्या हुई? 32 साल। 32 साल, उसके आगे की पढ़ाई छूट गई? किया नहीं, किया नहीं, घर से प्रॉब्लम थी इसीलिए नहीं किया। अच्छा, आर्थिक दिक्कत थी जी। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद बिजनेस है। किस चीज़ का? किराने का। किराने का, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, लेकिन लोग महामारी लॉकडाउन के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। क्या दिक्कत? बाहर नहीं जा पा रहे हैं कुछ कमाने के लिए भी, ट्रेन वेन स्टार्ट नहीं हुआ है भी। बाहर कहाँ जा कमाने जाना था? तमिलनाडु। वहाँ कमाते थे पहले? क्या काम करते हैं तमिलनाडु में? कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, एक्सपोर्ट कंपनी में। एक्सपोर्ट कंपनी है, क्या मिलता है तनख्वाह? 400 रुपया पर दिन के हिसाब से, महीने की नहीं है सर? नहीं, डेली के हिसाब से 400। जिस दिन जाइएगा उस दिन 400 मिलेगा, जिस दिन नहीं जाइएगा उस दिन पैसा नहीं मिलेगा? नहीं। और कितने लोग हैं, क्या हैं बिहार के उधर और भी आपके साथ? बहुत से हुए हैं तमिलनाडु में, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे और भी लोग हैं? पूरे बिहार के एरिया के बहुत से आदमी है वहाँ। अच्छा, सब यही है असंगठित कामगार जी, यही रेट है तकरीबन? हाँ। कितना पैसा भेज पाते हैं आप लोग घर? 6,000-7,000 रुपया महीना। वहाँ पे क्या लेके रहते हैं? रूम रेंट लेके रहते हैं। एक रूम में मतलब अकेले लिया है या लोगों के साथ मिलके? फैमिली रहते हैं। अच्छा, फैमिली रहती है। और भी ऐसा है क्या कि जो बाकी मजदूर है बिहार के, युवक सब बहुत है रोजगार के लिए, एक साथ मिलके कर रहे हैं? हाँ, रोजगार के लिए बहुत लोग वहाँ भटकते हैं, रोजगार के लिए भटकते हैं। तो अभी आप कह रहे थे सरकार ने अच्छा काम किया है ना, आप नीतीश कुमार को सुनने आए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, आपने कहा शिक्षा अच्छा अच्छी हुई, सड़क बन गई, रोजगार के बारे में बताइए। रोजगार अच्छा नहीं है, रोजगार के नवयुवक सब रोजगार के लिए बहुत दिक्कत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके भी लोग चाय बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, कोई मजदूरी दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं। अब तो चाय बेचने को भी रोजगार में गिना जाने लगा है भाई, क्या क्या कहते हैं? सही बात है कि अगर कोई अपने नहीं देगा तो क्या करेगा मैडम? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि चाय बनाना, कोई जैसे अपना चाय का दुकान खोल लिया, इसकी बात नहीं है। अगर मेरे राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएगी, कंपनी नहीं लगाएगी, तो यहाँ के लड़के तो दूसरे प्रदेश जाएंगे, और दूसरे प्रदेश जाने के बाद वहाँ तो हीन दृष्टि से देखा जाता है। बताइए हमको थोड़ा, आपने कभी ऐसा कोई अनुभव रहा है क्या? मेरी बात सुने, नाम क्या है आपका? मेरा चंदन कुमार सिंह नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? मैं भागलपुर जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुका हूँ।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी जो है मेरे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सड़क के लिए, बिजली के लिए और भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहूँगा, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बिहार का जो जनता है जो दूसरे प्रदेश जाके भटकते हैं, दूसरे प्रदेश जाके गाली सुनते हैं, उसके बाद वहाँ के फैमिली अगर पारिवारिक लेके जाओ तो बहुत दिक्कत सारी कठिनाइयाँ उठाना पड़ता है। जैसे वहाँ लॉकडाउन होने के बाद वहाँ बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे लड़के को बहुत सारी दिक्कत उठानी पड़ी, तो इसलिए मैं थोड़ी दिक्कतों के बारे में बताइए दर्शकों को ना। दिक्कत तो है, दिक्कत तो नहीं को भी पता है, बिहार के नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपने कहा लॉकडाउन के दौरान बिहार के जो लोग बाहर रह रहे थे, खासकर श्रमिक कामगार, उन्हें काफी दिक्कत हुई, तो उन दिक्कतों के बारे हम जानते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोग जो बिहार से बाहर के भी हैं वो जाने, है ना, कि क्या हो रहा था, तो बताइए थोड़ा कुछ पता। मैं तो आप लोग के द्वारा नीतीश कुमार सिंह जो मेरे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाए। आग्रह मैं समझ गई सर, मैं कुछ और जी, क्या दिक्कत आई ये बताइए ना, कि वहाँ पे आपने कहा दिक्कत आई लॉकडाउन के दौरान बिहार से, बिहार के लोग जो बाहर रह रहे हैं, वहाँ वहाँ के बिहारियों को बिहारी के नजर से देखा जाता है, हीन दृष्टि के नजर से देखा जाता है। कभी ऐसा कोई अनुभव रहा आपका, बताइए उस अनुभव के बारे में। बिल्कुल अनुभव रहा है, अगर हम जाते हैं गाड़ी पे कहीं ट्रैफिक पे जा रहे हैं, कहीं किसी काम जगह, अरे बिहारी है, बिहारी है, अरे हटाओ इसको, मतलब बहुत हीन भावना से देखा जाता है। हम आपको क्या बयां कर सकते हैं, आप खुद जान रहे हैं कि बिहारी को कितने हेय दृष्टि से देखा जाता है, बिहारी को एकदम लोअर से लोअर कास्ट, मतलब क्या कहते हैं, लो कैटेगरी के नजरिए से देखा जाता है। कितना भी पढ़ा लिखा लड़का हो बिहार का, कितना भी टैलेंटेड लड़का हो, वहाँ के लड़के अदर प्रदेश के लड़के से डायरेक्ट ज़्यादा टैलेंट हो, फिर भी इनकी टैलेंट को वहाँ जीरो के वैल्यू से देखा जाता है, जीरो के वैल्यू से देखा जाता है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे माननीय नीतीश कुमार जी से कहूँगा मैं एक बात, अपील करूँगा कि यहाँ के जो नवयुवक है जो बहुत मेहनत करके, बिहार को गरीबी के नज़रिए से देखा जाता है, यहाँ के लोग किसी मजदूर किस्म का है, फैक्ट्री तो है नहीं, रोज़गार तो यहाँ है नहीं उस टाइप का, जो कि चलो कंपनी में रोज़गार करेंगे 12,000 का महीने मिलेगा, बच्चे को पढ़ाएंगे, मजदूरी करता है, खेती करता है, यही करेगा ना, दूसरे के उपाय तो है नहीं, मजदूरी ही करेगा, रोड बन रहा है तो उसमें काम करेगा, बिजली बन रहा है तो उसमें काम करेगा, काम ही करेगा, कंपनी तो है नहीं यहाँ। तो यहाँ जो बच्चे को इतने मेहनत से गार्जियन पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा के, नौकरी तो यहाँ है नहीं, तो अदर प्रदेश जाएगा ही कमाने के लिए, वहाँ जाता है तो बिहारी के नज़रिए से सबसे पहला प्राथमिकता ये तो बिहारी है, इसको क्या नॉलेज। शिकायत किस बात की है, एक सेकंड पहले मैं अपना सवाल बता दूँ, आपने कहा बिहारियों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें गलत तरीके से देखा जाता है, गलत तरीके से उनके साथ पेश आया जाता है, वो वाला मुद्दे के बारे, वो बड़ा मुद्दा है या अभी रोजगार का मुद्दा? रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार के स्टूडेंट को यहाँ रोजगार मिल जाए, यहाँ शिक्षा के अनुसार से इसको यहाँ रोजगार मिल जाए, यहाँ के मजदूर को यहाँ रोजगार मिल जाए, तो अदर स्टेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये फिर उसको काबिलियत दिखाने को मौका मिलेगा ना। ये भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो काबिलियत है। एक और चीज है, एक और चीज है, मान लीजिए मैं दिल्ली में कई रिक्शे वालों से मिलती हूँ, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग यूपी के होते हैं, मेरी ज़्यादातर मुलाकात बिहार के लोगों से होती है, ठीक है, कोई दरभंगा का है, कोई मधुबनी का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, दिन भर में मुश्किल से 200-300 रुपया कमाता है। मेरा सवाल है कि क्या फैक्ट्री कारखाने नहीं हैं बिहार में, समझ आया कि वो बाहर जाते हैं काम करने, ये जो रिक्शा वाहन जाते हैं जो 200-300 रुपया बाहर कमाते हैं, क्या यहाँ पे ये काम भी नहीं है? नहीं नहीं, रिक्शा यहाँ पे उस हिसाब से इनकम ही नहीं है अदर पब्लिक के पास, जो कि रिक्शा पे चढ़ के 10 रुपये जाके 20 रुपये जाके उसको भाड़ा दे, रिक्शा वाले को कहाँ से भाड़ा देगा? अब मैं 5,000 का नौकरी यहाँ मेरे पास अगर है तो 5,000 में तो हम अपनी फैमिली चलाएंगे, क्यों रिक्शा पे 20,000 रुपये दे के जाएंगे, ये बताओ, उतनी इनकम तो होनी चाहिए, रिक्शा पे बैठने की इनकम तो होनी चाहिए। ये जो आप लोग सुनने आए हैं, ये जो कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, रोजगार सबसे, तो आप लोग जो मुख्यमंत्री को कहने, मुख्यमंत्री से बात करने आए हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम लोग वोट देंगे नीतीश बाबू को। क्या किए नीतीश बाबू? हाँ, क्या किए नीतीश बाबू, क्या चीज है? नहीं नहीं, क्या किए हम ये पूछ रहे हैं, काम काज बताइए। हाँ, सब काम किया है, उन्नति किया है, विकास किया है हम लोग को। आपके घर में आपका कोई पोता है, पोती है, पोता पोती है? हाँ, कितना बड़ा है? हाँ, कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 2 साल का है, 3 साल के है। 3 साल आपका बेटा? हाँ, बेटा है जवान। कितना पढ़ा? कम से कम 40 हमको हो रहा है। बेटा आपका कितना पढ़ाई किया? भला है, पढ़ाई किया आपका बेटा? आ, कितना पढ़ा बाबा? तकनी स्कूल था कहाँ?
तकनी स्कूल नहीं था? हाँ था, टिप्पा मार खुद ही हमारी टिप्पा मार है, नीतीश बाबू पढ़ा दिया अभी अच्छे किया। हाँ तो ये लोग जो आप सुनने आए हैं ना, ये बताइए, उन्होंने कहा नौकरी का मुद्दा, रोजगार का, तो आप लोग यहाँ किसको सुनने आए हैं? नेता नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ठीक है? तो ये आप लोगों की भी बात, आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रोजगार बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, बहुत बड़ी रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे बिहार में। बिहार का कोई भी सरकार बने, लेकिन बिहार का स्टूडेंट बीए करके आईटीआई करके बैठे हुए हैं और चाय बेचने वाले को आप कहते हैं रोजगार है? हम नहीं कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं वो रोजगार है, पकौड़ी तलना रोजगार, वो गलत है। वो अपना बिजनेस हुआ, अपना पूंजी लगाया, इसमें सरकार क्या रोजगार दिया, इसमें सरकार क्या सहयोग दिया? कंपटीशन करने के लिए लोगों को, बच्चे को, विद्यार्थी को पैसा नहीं पुरता है, 6 महीना करता है छोड़ देता है, 6 महीना में सही ढंग से तैयारी नहीं हो पाता। आपका नाम क्या है? अमरजीत कुमार। आपकी कितनी पढ़ाई? ग्रेजुएशन कहाँ से किया? भागलपुर यूनिवर्सिटी। कैसी हालत है यूनिवर्सिटी की? टाइम से आपका खत्म हुआ था, 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा हुआ था मैम। 4 साल और कॉलेज और आपका 5 साल, इनका 4 साल। कि भागलपुर यूनिवर्सिटी जब भी है, ये हमारे हवेली खड़गपुर में एक ही औसा डिग्री कॉलेज है, एचएस कॉलेज है, जो कि ये 5 साल ले लेते हैं, जो कि प्रमोटेड भी हो गए हैं, तो उसका मान लीजिए 6 साल से पहले कोई उपाय नहीं है। जो कि मैंने भी साइकोलॉजी ऑनर से यहाँ मैं क्या हूँ ग्रेजुएशन कोर्स की किताबें हमें कई जगह लोगों ने बताया कि कोर्स की किताबों का तो चलन ही नहीं है बिहार के यूनिवर्सिटी में, गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, क्या ये बात सही है? सही बात है, गेस्ट पेपर से ही है सब। यहाँ पर टीचर भी ऐसा बहुत आदमी ऐसा भी है कि टीचर भी है, ये स्टूडेंट का सही ढंग से सही तरीका से बात भी नहीं सुनता है, कहता है कॉलेज स्टूडेंट से पता करो, अगर टीचर के पास कोई जानकारी पूछने के लिए जाता है तो। टीचर है क्या? टीचर है आप लोगों के यहाँ? पूरे टीचर हैं, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या होगा? रेशियो तो बहुत ऐसी अच्छी चीज़ होना चाहिए। अभी तो हमको लगता है कि भागल, जब तक यूनिवर्सिटी भी चेंज हो गया है यहाँ से, अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी है वर्तमान में, पूर्व में मेरे जो भागलपुर यूनिवर्सिटी, अभी भी हमको लगता है उस स्टूडेंट हो 2000 लगभग स्टूडेंट अभी भी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ का फॉर्म रजिस्ट्रेशन जब होते किसी स्टूडेंट को भी पता नहीं चल पाता है। आप ऐसा भी अभी भी पता कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का पता ही नहीं चलेगा, स्टूडेंट जाके पूछते तो बोलता है पेपर में देखो। तो ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का क्या मतलब है? तो क्या करें, पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी सब लोकल चाहते हैं, मान लिया कि दूसरे मान लिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ दूर पड़ जाते हैं कि भाड़े किराए ज़्यादा लगते हैं, सुविधा बाहर जाने के बाद कोई सुविधा नहीं है बाहर में, इसलिए नज़दीकी में सोचते हैं। बाहर कोई वैल्यू देता है क्या इस डिग्री की? डिग्री देते हैं लेकिन नहीं, डिग्री देते हैं लेकिन फिर भी जो है थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, जो मान लिया 3 साल का कोर्स है वो 3.5 साल में फाइनल हो रहा है तो आदमी ऑटोमेटिक है वहाँ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम पूछ रहे हैं यहाँ से जब पढ़ के जाते हैं, अरे सवाल एक सेकंड बस बात पूरी कर लेना, वो भी तो कुछ कह रहे हैं, यहाँ से जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी से गेस्ट पेपर से पढ़ाई करके बिना यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास लिए जब डिग्री मिलती है बीए की, तो उस डिग्री की क्या वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बाहर में क्लास करने के लिए यहाँ पर पूरा इच्छुक थे, बोला टीचर ये नहीं तो क्या करेगा, कैसे रहेंगे तब तो? क्या कह रहे थे आप? हम सवाल करेंगे प्रवासी मजदूर पर, हम सवाल करेंगे शिक्षा पे, हम बेरोजगारी पे सवाल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 साल में कोई बता दे कि एक बार भी खड़गपुर मेरे प्रखंड में आया हो, जब चुनाव का बात आता है तो वापस। जब हम लोग गुजरात में सूरत में फंसे, मेरे भाई लोग थे तो बोल रहा था हम किसी बिहारी को नहीं मंगाएंगे, बोल रहा था ना, आप लोग लाइव सुने होंगे, किसी बिहारी को नहीं मंगाएंगे। हाँ, महामारी में और कोरोना फैल जाएगा। अब जब चुनाव का बारी आया तो धज्जी उड़ रहा है, चुनाव और लॉकडाउन में देख लीजिए किस तरह, कहाँ गया सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार जवाब दे। हाँ, साहब को भीड़ लगाने का बहुत शौक है, जब यहाँ श्रृंखला चल रहा था, मानव श्रृंखला, आप लोग को याद होगा, जबरदस्ती पकड़ के भीड़ जुटाया जा रहा था, 15 हेलीकॉप्टर से साहब के पास इतना पैसा था कि साहब पूरा बिहार में चित्र खिंचवा रहे थे 15 हेलीकॉप्टर से। और जब हम लोग गुजरात दिल्ली में मेरे भाई सब फंसे हुए थे तो बोले थे मेरे पास पैसा नहीं है, जो जहां है वहीं रहिए, लेकिन हम लोग 28 तारीख को अपने अंगूठे के दम पे लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और इनको बहुत मुंहतोड़ जवाब देंगे अपने वोट के जरिए। क्या होती है लोकतंत्र की हत्या? लोकतंत्र की हत्या यही होती है कि जनता का जवाब बिल्कुल नहीं सुना जाता है और अपने मन से, जैसे मैं देख लीजिए, हम लोग
स्टूडेंट भी हैं और मेला जो आ रहा है हम लोग का ये कार्यक्रम है सांस्कृतिक, और भी तरह तरह का भीड़ इकट्ठा जो होने से रोका जा रहा है। इसमें अच्छी बात है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है, लेकिन ये कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं, इसके लिए भी तो चुनाव आयोग। ये तो भाई साहब देखिए कोरोना था, सरकार को पता था, ठीक है, चुनाव आयोग को भी पता था कि कोरोना है, ये भी पता था कि अभी खतरा टला नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं आई है, ये भी पता था कि संख्या कई सारी असली संख्या सामने नहीं आ रही है। बावजूद इसके ये वर्चुअल रैली का पहले बात था, फिर हुआ कि नहीं जी नेताजी लोग जा के रैली कर सकते हैं, तो नेताजी लोग रैली कर रहे हैं, तो वो पब्लिक भी आ रही है, क्या कीजिएगा? आप मानते हैं इसमें कोरोना का डर नहीं है? हम अरे हम तो देखिए ना, हम मास्क लगा के घूम रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमको बिहार में तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखा ही नहीं है। फिर गाइडलाइन किस चीज का, गाइडलाइन किस चीज का सरकार आदेश देती है जब पालन ही नहीं करवा पाती है, किस चीज का? क्या लोग कह रहे थे कि दिखावटी गाइडलाइन है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन दिखावटी है। और खड़गपुर विधानसभा जो कटा उसे वापस देने का मांग है। खड़गपुर विधानसभा जो हम लोग का काट दिया गया यहाँ से, ये बात पहले ये बात मेवालाल चौधरी के बारे में बताइए। मेवालाल चौधरी मेरे प्रखंड के, अब भूतपूर्व बोल सकते हैं ना, अब तो चुनाव है, भूतपूर्व विधायक जी हैं, वीसी साहब हैं, जो कि बहुत सारे जगह से अपमान हो चुके हैं। मैं कोई घोटाले का भी जांच चल रहा है उनके ऊपर, बहाली कोई बहाली घोटाला था, वो हम पब्लिक न्यूज पर देखे थे कि राष्ट्रगान सही से वो गा नहीं पा रहे थे, राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे थे, वो विधायक हमारे बन गए हैं, बताइए ऐसे ऐसे नेता बन जाएंगे तो क्या हो सकते हैं, वीसी भी हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दो साल किसी को टिकट दे दे, आंख बंद करके लोग वोट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं, युवा जागे हैं कि नहीं? मैम जो है ना, हम दो साल से हम व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, हमारा खुद का बिजनेस है। किस चीज का? सिलाई मशीन का 10 को लगा रखे हैं, और लेडीज हमारे यहाँ खड़ता है। मैम 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं लोन लेने के लिए, लेकिन लोन अप्रूवल नहीं हो रहा है, और हमारे परमासी मसूर के लिए, हम खुद के लिए, हम उन लोगों के लिए हम सारा काम किए हैं, लेकिन आज तक हमारा 2 साल से लोन पास नहीं कर रहा बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सारा कागज सारा डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, फिर भी हमारा पर लोन पास नहीं कर रहा बैंक ऑफ इंडिया। मैम आपके हाथ कहाँ पर हैं? कम से कम धीरज रखिए ना मैम, हम 2 साल से कम से कम खोलिए कागज दिखाएं हमारे यहाँ। आपने सरकारी तो योजनाएं हैं इससे जुड़ी हुई कि मुद्रा सहायता देती है? प्रधानमंत्री योजना से हम फॉर्म भरे हुए थे, 1.5 साल हो गया हमें लोन नहीं दे रहा, और हमारे 10 लाख का बिजनेस खुद का चलता है मैम, 10 आदमी हम खटाते हैं, लेकिन फिर भी हमको लोन नहीं मिल रहा है। आप इस रैली में अपने कागज लेकर ये उम्मीद लेकर आए हैं कि कोई सुनेगा पत्रकार हमें, इसलिए हम आपके पास आए बैंक ऑफ इंडिया। हमको ललन कुमार सिंह हमको 1 साल 2 साल से दौड़ा रहे हैं मैम, बैंक ऑफ इंडिया हमको कम से कम 2 साल स्टेट बैंक गौशाला मार्केट में जो स्टेट बैंक है उसके पास जाइए कोई बात लेके तो लगेगा मेरा पर्सनल बाबू। 2 साल से MA किए हुए हैं, MA किया के हम 10 आदमी को रोजगार देते हैं मैम, लेकिन फिर भी हमारा लोन नहीं पास किया जाता है, क्या बात है, ऐसा क्यों है? हम यही सवाल करने के लिए आए थे नीतीश कुमार से। दोबारा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उदय कुमार है मैम। कहाँ रहते हैं? मेरा ग्राम नजरी मेरा घर है। 2 साल से मेरे यहाँ 10 आदमी खटता है अभी भी मैम, सिलाई मशीन का काम हम करवाते हैं मैम। क्या MA करके हमसे कपड़ा का डिजाइनिंग करके सब चीज़ मार्केटिंग में सेल करते हैं मैम। बताइए रोजगार के लिए उद्योग के लिए बोला प्रधानमंत्री योजना में फॉर्म भरो 10 लाख लोन मिलेगा, हम 2 साल से घिस पिस दौड़ रहे हैं मैम, लेकिन लोन नहीं मिल पा रहा है हमको। क्या उम्र है आपका? मेरा 25 साल उम्र है मैम। आपने 25 साल यानी 22-23 साल की उम्र में आपने अपना व्यवसाय शुरू किया कर दिया है क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली मैम। अच्छा, और यहाँ आपके यहाँ क्या क्या बनता है? मेरे यहाँ कुर्ती लेगिंग सब ये सब बनता है मैम। स्थानीय बाजार में बिकता है या कहीं बाहर जाता है? बाहर भी जाता है और स्थानीय मार्केट में भी बेचते हैं मैम। 10 लोगों को आपने रोजगार दिया है और आप सहायता के लिए सरकारी लोन के लिए भटक रहे हैं 2 साल से मैम, हम भटक रहे हैं। मेवालाल चौधरी के पास भी गए लेकिन हमको वहाँ मिलने नहीं दिया उनसे, वहाँ से भी क्या घुमा दिया था मैम। क्या शराबबंदी पर मैं
मैं माननीय मुख्यमंत्री को शाबाश देता हूँ कि शराब मेरे बिहार में बंद हो गया, लेकिन कितने लोग सहमत है? बंद हो गया है भाई साहब? नहीं, नहीं, नहीं। बंद हो गया है? अगर आपने शराब पूर्ण रूप से बंद भी किया है, ये तो ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित होने जैसा रहा, बताइए शराब बंदी हुई? बिल्कुल नहीं, नहीं बंद हुआ। शराब बंदी होती तो मेरे थाने के निकट रोज शराब बंद शराब पकड़ाता है, बताया जाए कहाँ से आता है? 40 लीटर रोज पकड़ाता है, शराब कहाँ से आता है? बढ़ गया मैडम, शराब का कारोबार ज्यादा बढ़ गया इस लॉकडाउन में, वही का आदमी का पेट चल रहा है शराबे बेचे वाला के। हम लोग क्या करें मैम, शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, 100 रुपया में 3 किलो शराब बेचिएगा गाँव गाँव फेना घूम घूम के? हाँ, हम लोग चपरासी योग्य हैं तो हमको योग्यता देख के नौकरी दे, हम स्वीकार करेंगे। अगर कोई कलेक्टर बनने योग्य है तो उनके लिए सरकार व्यवस्था करे, कोई टीचर बनने योग्य है तो उनके लिए सरकार व्यवस्था करे, और जो शराब बेचने योग्य है उस शराब बेचे गाँव में गाँव घूम के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो योग्य है उसके हिसाब से चपरासी का भी नौकरी देता है तो हम सरकार से सक्षम है। आपके नजरिए से बिहार में कौन नेता बढ़िया है? मेरे नजरिए से मैं अभी ऐसा नेता को नहीं देखा हूँ अपने दौर में, आगे आएंगे तो हम, अभी फिलहाल तो ये मेरे खड़गपुर के युवा नेता राजेश कुमार मिश्रा जी हम लोग को ऐसा नज़र में लग रहे हैं। किस पार्टी के? निर्दलीय पार्टी का है, तो हम लोग को ऐसा लग रहे हैं। वैसे बिहारी बिहार की राजनीति के परिदृश्य में बात करें, जो जो पार्टियां हैं, ठीक है, नीतीश कुमार है, ठीक है, बीजेपी है, लोजपा है ना, पप्पू यादव है, ये सब हैं, ठीक है, इन सब में एक पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी है, इन सब पे बताइए कि कोई है ऑप्शन आपके नज़रिए में बढ़िया? इन सब में एक नेता हम लोग को नज़र आता है, जिस तरह से सोशल मीडिया से सभी भाई लोग अवगत होंगे, मेरे नज़दीकी नेता बहुत सारे मदद किए हैं, जैसे राजेश कुमार मिश्रा जी, और पटना में श्री माननीय पप्पू यादव जी, जिस तरह से हम देखे घर घर, जैसे लगता था उनका फैमिली भूखा ना रह जाए, मेरे समझ से उनके घर घर जाके वो दूध खाना पानी जिस तरह का व्यवस्था हो। और माननीय नीतीश कुमार जी मेरे जो आए हैं खड़गपुर प्रखंड में, वो तो 200 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं है कोरोना काल में, मैंने उनका पोस्ट देखा है, वो जहाज पर से ही हेलीकॉप्टर से जो भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि नीचे में तो हम लोग आदमी है नहीं, बोट के समय आदमी है, बाकी तो कोरोना है, बाकी कोरोना है सर। हाँ, अभी कोरोना नहीं है, अभी कोरोना किस समय? कोरोना है, 5 साल कोरोना है। तुम क्या बोलोगे? नीतीश कुमार जिंदाबाद, डाटे कोरोना खत्म हो जाए, बस जल्दी कोरोना खत्म हो जाए, तुम कह रहे हो? यस मैम। क्या नाम है आपका? देवराज। देव लाज? देवराज। यस मैम। अच्छा, हरपुर से हम चलकर आए हैं नीतीश बाबू से मिलने के लिए, प्रशासन लोग ने मिलने नहीं दे रही है, और हमको परेशानी है, न घर है न द्वार है, हम रहेंगे कहाँ पे? बहुत दिन से। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार यादव। ये लोग जो आप लोग अपनी पैरवियाँ, अपनी अपीलें, अपनी शिकायतें, अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं किसी रैली में, सुना जाता है क्या? कोई सुनता है क्या? नहीं सर, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं चल, कोई नहीं सुनता है, हमको चाहिए ठीक करिए, ये सब में डला दे मैम। क्या बाबू, क्या बोल रहे हो? ये सब में डला दे पूरा मैम। दर्द है तुम्हें ऊपर से, इस धड़े में दर्द है? हाँ मैम। अच्छा, तो तुम कौन, किसके साथ आए हो? हम अकेले आए। अकेले आए हो तुम? यस मैम। का कितनी दूर है तुम्हारा गांव? हम बली टुला टन है। कहाँ? बली टुला टन। वहाँ से तुम अकेले आए? हाँ। कितने साल के हो बाबू? 12 साल के। पढ़ते हो क्या? हाँ। कौन से स्कूल? कनियाम बिलाले। कौन से क्लास? कनियाम मटवी टाले। कौन से क्लास में हो? 4 में। तुम अपने गाँव से यहाँ अकेले आए हो, कोई गाँव का भी आदमी नहीं है? हाँ है। गांव के आदमी है, परिवार का आदमी नहीं है कोई साथ? बड़ी बार हम अकेले आए। क्या बोलने आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो? आए क्या हेलीकॉप्टर देखे और नीतीश कुमार देखे, ये सब चला बोलते तुमने हेलीकॉप्टर देखा, तुमने नीतीश कुमार को देखा, और तुम ये बताने आए हो कि तुम्हारे शरीर के एक हिस्से में दर्द है? मैम एक चीज बोले, हम
हेलीकॉप्टर में बैठे ने आज क्या बात है बट कहीं ना मन कहीं ना हमको घुमाइए खाली कॉल एक बार अल नीचे वो टाल दीजिए बट मैडम जी रुकिए ना पार्सल बहुत लंबा है हाँ? जो घुमाना मुश्किल है काश मेरे हाथ में होता तुमको हेलीकॉप्टर में घुमाना काश मेरे हाथ में होता ठीक है मैडम जी पता नहीं दूर से लगता है कि रैलियों में सिर्फ समर्थक इकट्ठा होते हैं या फिर नेता का चार्म ऐसा होता है कि भीड़ जुट जाती है भले वो वोट दे या ना दे पर लोग देखने आते हैं किसी नेता को उसे सुनने आते हैं नहीं रैली में सिर्फ समर्थक नहीं जुटते नहीं रैली में सिर्फ लोग नेता का चार्म देखकर उसे देखने सुनने नहीं आते रैली में लोग अपनी अर्जियां लिखकर लाते हैं रैली में लोग अपनी शिकायतें अपने आवेदन और ऐसे बच्चे भी आते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है उन्हें पास धमकने नहीं दिया जाता पर वो आते हैं और ये जानते हुए आते हैं कि उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा उनकी बात नहीं पहुँच पाएगी फिर भी वो आते हैं कुछ लोग हम जैसे पत्रकारों को खोजते हैं कि शायद नेता की रैली कवर करते लिए करने के लिए हम यहाँ आएंगे पत्रकार और फिर वो उनसे अपनी कहानी कह पाएंगे पता नहीं कितने लोग पत्रकारों के पास भी पहुँच पाते हैं नेताओं तक तो नहीं पहुंच पाते हैं शायद ये थी हमारी बातचीत मैं स्वाति कैमरे के इस तरफ और कैमरे के उस तरफ मेरे साथी अमितेश